पलवल के हथीन में दो बदमाशों द्वारा एक कपड़ा व्यापारी से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला बीते दिन सामने आया था। अब इस मामले में पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान राहुल और अरवाज के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी इससे पहले भी गोपाल मेडिकल स्टोर संचालक से 3 लाख की रंगदारी की मांग कर चुके हैं, जिसकी शिकायत उटावड़ थाने में दर्ज है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 दिन की रिमांड मिली है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। ये सर दिनांक 11 तारीख को एक शुभम अपने कपड़ा व्यापारी है हथीन का, उसको इन्होंने धमकी दी थी मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप से, कि आप हमारे खाते में 15 लाख रुपए डाल दो और नहीं डालोगे तो तुम्हारा परिवार नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जो इन्होंने अपना खाता नंबर, फर्जी खाता नंबर था वो दिया था, और जो मोबाइल की सिम है वो आसाम से खरीदी सिम थी। किस तरह से पकड़ा इनको, पता कैसे लगा ये यही हैं आरोपी? साइबर के माध्यम से साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। एसपी साहब के दिशा निर्देश से ये तफ्तीश, मुकदमा 12 तारीख दर्ज हुआ था तो इसके बारे में दिशा निर्देश दिए थे, इसको जल्दी से जल्दी शीघ्र इसको सॉल्व करो, और इस साहब के आदेश अनुसार हमने कार्रवाई करी। तो साइबर सेल की इसके साक्ष्य इकट्ठे करके हमने तुरंत 12 घंटे के अंदर अंदर इन मुलजियों को, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दो आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनके नाम, एक का नाम अरबाज, दूसरे का नाम राहुल है। ये दोनों आरोपी रूपड़ा गांव के रहने वाले हैं और इनको हमने जलाली रोड से गिरफ्तार किया है। इससे पहले कोई वारदात करी ऐसी? हाँ, इससे पहले अरबाज नाम का लड़का है, इसने पफला गुजर की गैंग के नाम से एक आईडी, फर्जी आईडी तैयार की थी, जिसमें इन्हों इसका खिलाफ मुकदम दर्ज है भिवाड़ी, उसमें धारुएड़ा, तो उसके मुकदम दर्ज है, 303 नंबर मुकदमा है वहाँ का, उसमें भिवाड़ी में। रिमांड के दौरान कोई उम्मीद है और मामले खुलासे होंगे किसी गैंग से जुड़े हुए? पेश किया है इसमें 66 आईटी एक्ट ईजाद की है, क्योंकि उन्होंने मोबाइल के माध्यम से धमकी देकर पैसे की रंगदारी की थी, तो इंस्पेक्टर साहब इसमें तफ्तीश कर रहे हैं हमारे सीआई इंचार्ज, और जल्दी इनको और भी खुलासा होने की उम्मीद है। बता दें कि हथीन में कपड़े के थोक विक्रेता हरचंदी मल और ब्रजमोहन नाम से दुकान है। शनिवार को उनके बेटे के फोन पर मैसेज आया था, जिसमें फिरौती की मांग की गई, साथ ही पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच वाहन चोरी निरोधक दस्ते को सौंप दी, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच के सहारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में आरोपियों से अन्य मामलों के खुलासे होने की उम्मीद है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।